हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके प्रिय इंसाइड एडुकेशन में। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में, जो कि यहाँ पर त्रिवेंद्र सरकार ने काफ़ी बड़ा बयान दे रखा है। और उत्तराखंड की लेटेस्ट न्यू अपडेट है और उत्तराखंड के वासियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर 21 डेज़ का यहाँ पर लॉकडाउन हो रखा है, तो ऐसी स्थिति में उत्तराखंड के कई एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर अभ्यर्थी और कई वासी यहाँ पर फंसे पड़े हैं। तो इस वजह से त्रिवेंद्र सरकार ने जितने भी यहाँ पर फंसे हुए लोग हैं उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर उपाय निकाला है। तो ऐसे में एक दिन के लिए 31 मार्च को जो है यहाँ पर खुलने वाला है। तो त्रिवेंद्र सरकार ने यहाँ पर क्या कर रखा है, खुद ही उनके यहाँ पर जुबानी सुन लेते हैं क्या यहाँ पर कहा गया है त्रिवेंद्र की सरकार के द्वारा। अनेक लोग, अनेक ऐसे विद्यार्थी हैं, अनेक लोग ऐसे कि जो अपने इलाज के लिए अपने जिले से बाहर निकले थे, ऐसे कई लोग अभी जब पूरे राज्य में लॉकडाउन है तो अलग अलग जिलों में रह रहे हैं। और इसलिए राज्य सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि हम एक दिन का विंडो, यानी कि मंगलवार 31 मार्च को सवेरे 7 बजे से रात के 8 बजे तक हम इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट खोलेंगे। जिन लोगों को भी अपने घरों के लिए जाना है, अपने जिलों के लिए जाना है, वो इस दौरान जा सकेंगे। अपने टू व्हीलर से भी जा सकते हैं, फोर व्हीलर से भी जा सकते हैं, टैक्सी से भी जा सकते हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम या रोडवेज का जो हमारा परिवहन है, वो सबसे वो अपना एक एक जिले से दूसरे जिले में जा सके। लॉकडाउन का चौथा दिन है, किस तरह की व्यवस्थाएं रही और अब किस तरह की आपको जानकारी मिल रही है? देखिए, जो हमने पहले 7 से 10 मार्केट को खोला था, जो आवश्यक वस्तुओं की जो दुकान उनको खोला था, अब उसे 1 बजे तक जो हमने बढ़ाया, उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। उससे एक तो जो पैनिक था लोगों में वो कम हुआ है, दूसरी बात जो दुकानों में भीड़ दिखाई दे रही थी वो भीड़ आज नदारद थी। और जो हमारी सोसाइटी है वो भी मैं कह सकता हूँ कि एजुकेट हुई है। और जो सोशल डिस्टेंस की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही, जो आग्रह उन्होंने देश की जनता से किया, आज उत्तराखंड में वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अभी हम ये कह सकते हैं कि हमने जो ये शुरुआत की, अभी आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। यानी कि मार्केट सुबह 7 बजे से 1 बजे तक जो आवश्यक वस्तुओं की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री है और जो उनसे रिलेटेड जो उद्योग हैं, जो उसके लिए जो सब्सिडरी जो इकाइयां हैं, वो भी हमारी चलती रहेंगी। और एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि आज इस निर्णय से बहुत अच्छा रहा है। लोगों ने व्यवस्थाओं की तारीफ की है और इस अवसर पर जो हमारे पुलिस के जवान हैं, हमारी जो पुलिस में हमारी जो बेटियाँ हैं, उनकी भूमिका भी अति सराहनीय रही है। ऐसी प्रतिक्रिया हमको समाज से मिल रही है। आगे सर और क्या प्रिकॉशन लिए? देखिए, कुछ चीजें हमने अभी जो हमारे उत्तराखंड सदन है दिल्ली में, हमने उसके लिए जो हमारे वहाँ पर लोग रह रहे हैं उत्तराखंड के लोग, उनके लिए उसको ओपन किया है। वहाँ पर एक भवन हमारे पास तीमारदारों के लिए है, जो हमारे पेशेंट जो दिल्ली में रहते थे उनके लिए भवन हमने किराए पे लिया था, उसको भी हमने अपने उत्तराखंडी भाई बहनों के लिए उसको तैयार किया है। और उनके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए, उनके मेडिकल चेकअप के लिए वहाँ पर डॉक्टर्स की व्यवस्था की गई है। और 50 लाख रुपया वहाँ पर जो हमारे एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर हैं उनके निवर्तन पर वहाँ पर दे दिया गया है। हमने आज ही जो बम्बई में हमारा उत्तराखंड निवास है उसको भी, हमने जो बम्बई में प्रवासी उत्तराखंडी हैं जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए हमने उसको ओपन कर दिया है। उनके लिए भी हम वहाँ पर तमाम खाने पीने की व्यवस्था उनके वहाँ पर करेंगे, उनके मेडिकल की भी हम वहाँ पर व्यवस्था करेंगे, उसको भी आज हमने ओपन कर दिया है। साथ ही जो हमारे पेंशनर्स हैं, क्योंकि मार्च के महीने में उनको अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होता है और उनका भी हमने 1 महीने का समय उनका बढ़ा दिया गया, यानी कि उनको अप्रैल की जो पेंशन है उनकी वो भी उनको मिलती रहेगी। जो ड्राइविंग लाइसेंस है उनका भी 1 महीने का उनके लिए उसको विस्तार दे दिया गया है कि अब उनको अभी उसका अपने ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर आकर के और 1 महीने तक के लिए उसको उनको रेक्स कर दिया गया है। सिर्फ सर, एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर जो बाहर के लोग हैं, चाहे दूसरे प्रदेशों के लोग हैं,
वो काफी मात्रा में है और पैनिक उनके मन में है क्योंकि उनको घरों से फोन आ रहा है, वो पैदल ही निकल पड़ रहे हैं, तो उसको लेकर भी कुछ डिसीजन आपने दिया? देखिए अभी जैसे ही उत्तर प्रदेश से या अन्य राज्यों से उसके लिए हमको परमिशन मिलती है, वो लोग उसके लिए राजी होते हैं, तो उसके लिए भी हम भारत सरकार से होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेकर के उसके बारे में विचार करेंगे। फिलहाल अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। जो जहां पर रह रहे हैं चाहे उत्तराखंड के लोग हैं या बाहर से कोई लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं, तो उनसे मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जहां पर हैं वहीं पर आप सबसे अधिक सुरक्षित हैं, आप उसमें हमारा सहयोग करें और सरकार आपके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए पूरी तरह तैयार है, व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, आप वहां से हमारा जो प्रशासन है उससे आप संपर्क बनाए रखें। सैटेलाइट सेंटर्स का भी आप लोगों ने इसको देखते हुए कोई एस्टेब्लिशमेंट किया है? देखिए हमने पूरे राज्य में जगह जगहों पर इस तरह की व्यवस्था की है ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। हमारी कोशिश है कि हमारे राज्य में जो लोग भी रह रहे हैं उनको किसी तरह से हम उनको जितना भी ऐसी हालात में उनको हम थोड़ा सा रिलैक्स कर सके, ये हमारी कोशिश है।